महंगाई बेरोजगारी के विरोध में हमीरपुर जिला के बड़सर में कांग्रेस ने आक्रोश रैली निकालकर केंद्र सरकार के प्रति अपना गुबार निकाला। आक्रोश रैली की शुरुआत बड़सर कोर्ट परिसर से शुरू हुई, जिसमें विधायक इंद्रदत्त लखनपाल की अगुवाई में काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में SDM बड़सर विशाल शर्मा के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। रैली में एकत्रित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में हर वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले कई बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन आज तक कोई भी वायदा नहीं पूरा किया है। लखनपाल ने कहा कि युवा वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि मोदी ने आज तक बड़ी बड़ी बातें ही की हैं, हकीकत में कोई काम नहीं किया है। युवा आज अपने आप को छलावा सा महसूस करते हैं, तो इस संदर्भ में आज ये लगाया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेके बड़ी बड़ी बातें करते थे मोदी जी, आज वो महिलाओं की सुरक्षा भी कौन हो गई, ये मुद्दे सारे कौन हो गए, धारा 370 का मुद्दा कौन हो गया, और जो राष्ट्र से विदेशों से 15 करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो लाने की बात करते थे, हम तो ये सोचते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश जा रहे हैं, हर तीसरे दिन उनका विदेश का दौरा होता है, शायद वहां से वो उससे जो एक किसानों की और मध्यम वर्गीय जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं उनके ऊपर जो है कमर तोड़ महंगाई का असर पड़ रहा है, उसके लिए ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। और भी मुद्दे हैं, 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट्स में आएंगे, 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ बेरोजगारों को हर प्रति वर्ष रोजगार देंगे, विभिन्न प्रकार के मुद्दे माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं इस देश के नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने बड़े बड़े लुभावने वादे किए थे इस देश